This conference will now be recorded. ग्रेट नहीं आज इंशाल्लाह फिफ्थ चैप्टर को कंक्लूड करते हैं और फिफ्थ चैप्टर के बाद इंशाल्लाह इसके पास्ट पेपर क्वेश्चंस को रिव्यू कर लेते हैं और इसके बाद इलेवन चैप्टर है आईटी का उस पर जंप करेंगे फिर आपके मिड टर्म स्टार्ट हो जाएंगे एज सून एज यू आर गोइंग टू गेट फ्री फ्रॉम योर मिड टर्म फिर हम मूव करेंगे पीपल कॉम्पोनेंट पे. आपको याद होगा इन द वेरी बिगनिंग आई टोल्ड यू कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसके दो पार्ट्स हैं एक मैनेजमेंट है और एक पीपल है. तो फिफ्थ चैप्टर प्राइमरीली मैनेजमेंट के कंपोनेंट को कंक्लूड कर देगा कलेक्टिवली. पहले दोनों पार्ट्स ए एंड बी मैनेजमेंट सिखा रहे हैं आपको ना हाउ टू रन अ बिजनेस हाउ टू मैनेज अ बिजनेस एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर चेंज कल्चर और आईटी का पोर्शन भी मैनेजमेंट के साथ ही रिलेट करता है डिसीजन मेकिंग. स्पेशली डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट. इसके बाद सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ ये जो अगले पांच चैप्टर्स हैं सिक्स चैप्टर है हमारा बिहेवियर्स के ऊपर सेवन चैप्टर है मोटिवेशन के ऊपर एट्थ चैप्टर है ऑन लीडरशिप नाइन्थ चैप्टर है ऑन टीम वर्किंग टीम मैनेजमेंट टेंथ चैप्टर है कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोसिएशन. ये पांच चैप्टर्स पीपल फोकस्ड हैं दे विल बी फोकसिंग ऑन द पीपल कॉम्पोनेंट दे विल बी फोकसिंग ऑन द पीपल एलिमेंट. ठीक है सो बेसिकली हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब डील करते हैं इंशाल्लाह आप लोग जब कल को फर्म्स में जाएंगे नौकरियां करने आर्टिकल्स करने तो यू वुड रियलाइज के फर्म्स के अंदर आप दोनों एंड्स को बैलेंस करेंगे. यू विल बी बैलेंसिंग द पीपल कंपोनेंट एज वेल एज यू विल बी बैलेंसिंग आउट द मैनेजमेंट कॉम्पोनेंट और ये ट्रेड ऑफ होता है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग येट अ वेरी डिफिकल्ट ट्रेड ऑफ इट्स एन इंटरेस्टिंग बट अ डिफिकल्ट ट्रेड ऑफ कि मैनेजमेंट के चक्कर में यू माइट ओवरलुक द पीपल कॉम्पोनेंट जिससे क्या होता है लोग डिसटिस्फाई हो जाते हैं लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं लोगों का बिहेवियर वर्क प्लेस की तरफ नेगेटिव हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं. And if you are too much focused on the people component, then you might overlook some of the management decisions. Structure सही नहीं बना पाएंगे क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ काम करने को तैयार नहीं है तो आप just because that people don't want to work with each other, आप क्या करेंगे आप organizational structure पे compromise कर जाएंगे या फिर आप change की resistance को सही manage नहीं कर पा रहे just because के people have कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स में आ रहे हैं. इसी सो दैट्स आपकी जो बुक है ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग अगर आप इसे एक होलिस्टिक व्यू में देखें ना अपनी पूरी किताब को सो दैट होल बुक मेक्स यू लर्न द बिजनेस और इनफैक्ट आप इंशाल्लाह जब फर्म्स में जाएंगे विद इन अ ईयर मैक्सिमम विद इन सिक्स मंथ्स होपफुली जब आप फर्म्स में जाएंगे तो यू विल सेकेंड दिस ओपिनियन ऑफ माइंड कि सबसे ज्यादा जो फर्म में आपके काम आएगी चीज वो बिजनेस मैनेजमेंट और बिहेवियरल स्टडीज ही होगी नॉट जस्ट बिकॉज के आई दिस इज माई सब्जेक्ट आई टीच दिस सब्जेक्ट. इन फैक्ट पीपल मैनेजमेंट इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग यू नीड टू डू एट द वर्क प्लेस. फॉर एग्जाम्पल आप ऑडिट कर रहे हैं कोई ऑडिट की क्लॉज भूल गई आपको लेट्स अज्यूम तो वट यू कैन डू यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द टेक्स्ट बुक. You can always go back and see, okay, fine, इस situation में कौन सी audit की clause apply करनी थी या कौन सा इसमें particular या आप reporting कर रहे हैं for example और आपको कोई formula याद नहीं आ रहा या for example किसी point पे आके stuck हो गए तो you can always seek guidance, technical expertise आप ले सकते हैं ना अपने superior से किताब से. ये वाहिद component है management का जो कोई सिखाता नहीं है आपको ये learning by doing है. You do it and you learn it. जब आप वर्क प्लेस पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे ट्रॉमास का सामना करना पड़ेगा बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आप फेस करेंगे जहाँ पे आप करेंगे तो सीखेंगे. यू विल डील विद पीपल एंड देन यू विल लर्न हाउ टू मैनेज पीपल यू विल डू मैनेजमेंट एंड देन यू विल लर्न ओके फाइन अच्छा ऐसे होती है मैनेजमेंट. ठीक है दिस इज हाउ इट वर्क्स दिस इज हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट. इनफैक्ट बिजनेस मैनेजमेंट वो सब्जेक्ट है
मतलब मैनेजमेंट किसी को ना सिखाई नहीं जा सकती, मैनेजमेंट लर्निंग बाय डूइंग से आती है। मतलब मैं आपको मॉडल्स बता दूंगा, फ्रेमवर्क्स बता दूंगा, थेरीज बता दूंगा, बट दैट इज समथिंग विच यू विल गो एंड अप्लाई एट द वर्क प्लेस। और सबसे ज्यादा जो डायनामिक फिनोमेना है ना वर्क प्लेस पे, वो पीपल ही है, पीपल मैनेजमेंट। वर्क प्लेस पे क्या, आप अपनी रूटीन लाइफ में देख लें, आपको सबसे ज्यादा चैलेंज किस चीज में आता है? रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर, व्हेन यू हैव टू मैनेज द रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, कॉलीग्स, यू सी। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज अ ह्यूज चैलेंज, दैट्स अ चैलेंज। यू कैन नॉट मेक एवरीबॉडी हैप्पी, आप हर एक को खुश नहीं रख सकते। सो इफ यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी, सो यू यू एंटर इनटू अ चैलेंज ऑफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड पीपल मैनेजमेंट। तो इस सब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट तो पढ़ें जरूर, डेफिनेटली कोर्स भी पास करना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट एट टाइम्स डू रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट भी किया करें, ब्रॉडर पिक्चर भी देखा करें कि सब्जेक्ट के बैक एंड पे कहानी क्या चल रही, व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड। ठीक है, ओके, आई होप मेजोरिटी पीपल आर हेयर। सो लेट्स स्टार्ट विद द हॉफ स्ट्रीट मॉडल। गियट हॉफ स्ट्रीट जो है, ये बड़ा मशहूर नाम है कल्चरल डायमेंशंस में इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स के ऊपर। गियट हॉफ स्ट्रीट ने 80s और 90s में ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पे एक कॉन्सेप्ट थ्रो किया था। इसने कहा था कि नेशनल कल्चर्स जो होते हैं, जो कंट्रीज के कल्चर होते हैं, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। नेशनल कल्चर जो होते हैं उनका बड़ा डीप इम्पैक्ट होता है इदारों के कल्चर के ऊपर। दे हैव एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। और इदारों के जो कल्चर हैं, दे आर मेनली ड्रिवन बाय द नेशनल कल्चर्स। इदारों के जो कल्चर्स हैं वो ड्राइव होते हैं नेशंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फर्म इज वर्किंग इन पाकिस्तान, तो उसका जो कल्चर है वो पाकिस्तानी कल्चर से ड्राइव होगा। इफ अ फर्म इज वर्किंग इन लेट सपोज ऑस्ट्रेलिया, तो उसका जो कल्चर है वो वहाँ के कल्चर से ड्राइव होगा। इफ अ फर्म इज वर्किंग इन अमेरिका, तो उसका जो कल्चर है वो अमेरिकन कल्चर से ड्राइव होगा। तो नेशनल कल्चर जो होते हैं, दे हैव एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन द फर्म्स कल्चर। हॉफ स्ट्रीट कहता है कि कल्चर जो है, दैट इज नॉट एन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, रादर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप्स। ये इंडिविजुअल एंटिटी नहीं है, ये ग्रुप्स की एंटिटी है। ग्रुप से मुराद ये है, यहाँ पे नेशंस की बात हो रही है। ये कहते हैं पूरा नेशनल सिस्टम जो है वो एक कल्चर को प्रमोट कर रहा होता है। नेशंस जो होती हैं, दे आर प्रमोटिंग अ सिंगल कल्चर। तो व्हेन व्हेन द कल्चर बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द नेशन, द इंडिविजुअल फर्म्स हैव लीस्ट इम्पैक्ट ऑन द कल्चर। जो इंडिविजुअल इदारे होते हैं उनका फिर जो कल्चरल इम्पैक्ट है वो मिनिमल हो जाता है, दैट इज रिड्यूस्ड। तो कल्चर को हम कहते हैं कलेक्टिव प्रोग्रामिंग होती है माइंड्स की, दैट डिस्टिंग्विशेस द मेंबर्स, डिस्टिंग्विशेस द मेंबर ऑफ वन ग्रुप फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द अदर ग्रुप। इसी तरह कल्चर जो होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के, दे आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बेस्ड ऑन द नेशंस दे ऑपरेट इन। यहाँ पे एक चैलेंज फिर पैदा हो जाता है एमएनसीज के लिए। मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं, दे फेस द बिगेस्ट चैलेंज, बिकॉज एमएनसीज हैव टू ऑपरेट इन वेरियस कंट्रीज, इनको डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट करना होता है। इफ दे हैव टू ऑपरेट इन डिफरेंट कंट्रीज, इट मीन्स के उनके जो कल्चर्स हैं वो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं ना, दैट्स अ चैलेंज। कि एक तो एक मल्टीनेशनल कंपनी ने कॉर्पोरेट कल्चर को बहाल रखना होता है, दे हैव टू मेंटेन अ कॉर्पोरेट कल्चर, पूरी कंपनी का एक यूनिफॉर्म कल्चर होना चाहिए। उसके साथ साथ दे ऑल्सो हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द नेशनल कल्चर, जिस मुल्क में वो ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ के कल्चर को उन्होंने केटर फॉर करना होता है। तो गियट हॉफ स्ट्रीट जो है, ये एक 5 डायमेंशन मॉडल करते हैं बेस्ड ऑन द नेशनल कल्चर। लाइक दे बिलीव कि कंट्री कल्चर वेरी करता है, और 5 डायमेंशंस हैं जो नेशनल कल्चर्स को डिफरेंशिएट करते हैं। ये 5वां डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के हवाले से भी, और इसके अंदर ईच ऑफ द डायमेंशन हैज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू टॉक अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट डायमेंशन इज पावर डिस्टेंस। पावर डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि किस हद तक इनइक्वालिटीज एक्सेप्टेबल हैं किसी एक कल्चर में। अगर किसी कल्चर में इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आर एक्सेप्टेबल, तो कहते हैं पावर डिस्टेंस हाई है। और अगर किसी कल्चर में इनइक्वालिटीज ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लो है, तो उसे कहते हैं, मतलब अनएक्सेप्टेबल है, तो उसे कहते हैं पावर डिस्टेंस लो है।
पावर डिस्टेंस कुछ कंट्रीज में बहुत हाई होती है. फॉर एग्जांपल फ्रांस, फ्रांस के अंदर देर इज वेरी डिफरेंशिएशन बिटवीन क्लासेस. दोज विद पावर हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन डिसीजन फॉर दोज विदाउट पावर. कुछ कंट्रीज के अंदर पावर डिस्टेंस डायमेंशन बड़ी लो है. फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में लो पावर डिस्टेंस है, या न्यूजीलैंड में, स्वीडन में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में पावर डिस्टेंस लो है. मॉडर्न अमेरिका की बात कर रहा हूँ, 1980s में मैंने टॉक्ड अबाउट लैटिन अमेरिका, तो वहाँ पे पावर डिस्टेंस हाई थी. इसी तरह लैटिन यूरोपियन कंट्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पेन या फ्रांस है, यहाँ पे भी हाई पावर डिस्टेंस है. पावर डिस्टेंस हाई होने का मतलब ये होता है कि वेन देर आर डिफरेंट ग्रुप्स ऑपरेटिंग इन अ कंट्री और इन अ नेशन, तो दोज विद पावर विल मेक डिसीजंस फॉर दोज विदाउट पावर, एंड दोज विदाउट पावर विल टेक इट एक्सेप्टेबल एंड लेजिटिमेट. वो उसको एक्सेप्टेबल समझेंगे और लेजिटिमेट समझेंगे, ठीक है ना. पाकिस्तानी कल्चर जो है दैट इज लो पावर डिस्टेंस कल्चर. मेनली ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो यहाँ पे इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देती हैं, लो पावर डिस्टेंस प्रिवेल करता है. लेकिन इफ यू टॉक अबाउट लाइक जैसे हमने पढ़ा था ना वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी के अंदर इन द फर्स्ट चैप्टर, जब वो मैक्स वेबर ने कहा था कि अथॉरिटीज जो है वो एक फैमिली में ट्रिकल करती हैं, दे ट्रिकल इन अ सिंगल फैमिली. जैसे ये किंगडम सिस्टम जो होता है, सो किंगडम सिस्टम इज ऑल्सो हाई पावर डिस्टेंस कल्चर. किंगडम सिस्टम के अंदर भी पावर डिस्टेंस बहुत हाई होती है, ठीक. सो ये इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है जो पावर डिस्टेंस को डिटरमिन करता है. सो इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग इन हाई पावर डिस्टेंस कल्चर, तो उसको उसी किस्म के कल्चर को अडॉप्ट करना पड़ेगा. और इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग इन अ लो पावर डिस्टेंस कल्चर, तो उसको उसी किस्म के कल्चर को ऑप्ट करना पड़ेगा. द सेकेंड डायमेंशन इट टॉक्स अबाउट इज इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म. इंडिविजुअलिज्म का मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल आर मोर इम्पॉर्टेंट देन लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल. एक इदारे के अंदर या कुछ कंट्रीज के अंदर जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं लोगों के, दे कम बिफोर द इंटरेस्ट ऑफ द लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल, कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल. इसे इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर कहते हैं. और कलेक्टिविस्टिक कल्चर वो होता है वेयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट, इंडिविजुअल्स के जाति मफादात इम्पॉर्टेंट नहीं होते, बल्कि ग्रेटर गुड के लिए आप काम कर रहे होते हैं. यू आर वर्किंग फॉर द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ पीपल. हॉफस्टीड एग्जाम्पल देता है ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा की इंडिविजुअलिज्म में, और एग्जाम्पल देता है इंडोनेशिया की कलेक्टिविज्म के अंदर. कलेक्टिविज्म में और एग्जाम्पल भी हैं, अमेरिकन कल्चर भी कलेक्टिविज्म में आ जाता है, यूके का कल्चर भी कलेक्टिविज्म में आ जाता है, पाकिस्तानी कल्चर भी कलेक्टिविस्ट, मेजरली कलेक्टिविस्ट कल्चर की एग्जाम्पल है. अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम को साइड पे कर दें, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में आपको इंडिविजुअलिज्म की नज़र आती है रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं, बट इफ यू टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस तो फिर वो मेजर स्टेक होल्डर नीड्स को पहले इंपॉर्टेंस देते हैं फिर बाद में. जी जापान भी कलेक्टिविस्ट है, एग्जैक्टली जापान भी कलेक्टिविस्ट कल्चर है. कलेक्टिविस्ट कल्चर में आपके लिए मेजर स्टेक होल्डर के ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू सर्विंग द इंडिविजुअल नीड्स. इंडिविजुअल नीड्स के बजाय जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उनको सर्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. किसे कहते हैं इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म. इंडिविजुअलिज्म के अंदर इंडिविजुअल कम बिफोर द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप. और कलेक्टिविस्ट कल्चर के अंदर आपके जो लार्जर ग्रुप्स हैं, जैसे स्टेक होल्डर हैं, इफ यू कंपेयर शेयर होल्डर वर्सेस स्टेक होल्डर, तो जिन ऑर्गेनाइजेशंस में शेयर होल्डर्स को प्रेफर किया जाएगा स्टेक होल्डर पे, आप कह सकते हैं कि ये इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है. जिन ऑर्गेनाइजेशंस में स्टेक होल्डर्स को प्रेफरेंस दी जाएगी शेयर होल्डर्स के ऊपर, तो यू कैन से कि ये कलेक्टिविस्ट कल्चर है. सो दैट कैन बी अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म. अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस. अनसर्टेनिटी का मतलब होता है समथिंग दैट इज अनएक्सपेक्टेड, अनफेमिलियर. देर आर सम कल्चर्स जो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस पे हाई स्कोर करते हैं. मीन्स सच कल्चर्स आर नॉट रिस्क सीकर्स, रिस्क नहीं लेते, प्रिसीजन पे काम करते हैं. जैसे जापान है, जापान एंड साउथ कोरिया की मिसाल देता है हॉफस्टीड. जापान एंड साउथ कोरिया में वर्क प्रिसीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अंदर पंक्चुअलिटी पे लोग काम करते हैं. इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म की बात कर रहे हैं दिस वन. देखें इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर कहते हैं ऐसे कल्चर को जहाँ पे इंडिविजुअल नीड्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द नीड्स ऑफ लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल.
एक बिजनेस जो है वो हर किस्म की अनएथिकल प्रैक्टिसेस में एंगेज है जस्ट बिकॉज दे वांट टू मेक मोर मनी, दे वांट टू मेक मोर प्रॉफिट. दैट कैन बी कॉल्ड एज एन इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर. एक बिजनेस जो है वो लार्जर स्टेक होल्डर ग्रुप की नीड्स को सर्व कर रहा है इवन दो दे आर मेकिंग लेसर प्रॉफिट. एग्जैक्टली एग्जैक्टली ठीक है ना. तो वो फिर आपका कलेक्टिविस्ट कल्चर कहलाता है. सो इंडिविजुअलिज्म के अंदर फोकस इंडिविजुअल्स होते हैं. इंडिविजुअल से मुराद ही है स्मॉलर नंबर ऑफ पीपल, नॉट नेसेसरली एक ही बंदा. यानी एक बड़े ग्रुप के ऊपर एक छोटे ग्रुप को आप तरजीह दें तो ये भी इंडिविजुअलिज्म ही कहलाएगा. इसके बरक्स अगर आप बात करें कलेक्टिविज्म की, तो कलेक्टिविज्म के अंदर यू ऑलवेज प्रेफर टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ अ लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल. अनफ्रेटरनिटी अवॉइडेंस का मतलब ये होता है कि आप कितना रिस्क एवर्स हैं, कितना रिस्क को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं. जितना ज्यादा आप रिस्क को अवॉइड करेंगे इसका मतलब है कि अनफ्रेटरनिटी अवॉइडेंस आपकी हाई हो जाएगी और आप रिस्क एवर्स हो जाएंगे. जैसे जापान में होता है दे फोकस प्रिसीजन एंड पंक्चुअलिटी बिकॉज दे वॉन्ट टू बी रिस्क एवर्स. इसके बरक्स अमेरिकन कल्चर जो है ये हाईली रिस्क सीकिंग कल्चर है. एब्रप्ट डिसीजन होते हैं, क्विक डिसीजन होते हैं, इनोवेशन. अच्छा जितना रिस्क लेते हैं उतनी इनोवेशन भी ज्यादा होती है. रिस्क और इनोवेशन जो है बड़ा आपस में कोरिलेट करते हैं. द हायर रिस्क यू विल टेक द बेटर चांसेस आर देयर कि आप इनोवेटिव होंगे. तो जापान साउथ कोरिया का जो कल्चर है दैट इज हाई ऑन अनफ्रेटरनिटी अवॉइडेंस. इफ यू टॉक अबाउट ब्रिटेन, यूके, अमेरिका, दे स्कोर लो ऑन अनफ्रेटरनिटी अवॉइडेंस. हाँ बिल्कुल ये वही कॉन्सेप्ट है. एग्जैक्टली अच्छी मैनेजमेंट के अंदर कलेक्टिविज्म ही होनी चाहिए. एग्जैक्टली अच्छी मैनेजमेंट के अंदर कलेक्टिविज्म ही होनी चाहिए क्योंकि सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट जो है दैट इज कलेक्टिविज्म एंड दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ गुड मैनेजमेंट प्रिंसिपल. लेकिन एट टाइम्स देर आर सिचुएशंस वेयर इंडिविजुअल नीड्स बिकम मोर इम्पॉर्टेंट एंड यू आर विलिंग टू सेक्रीफाई द ग्रेटर गुड फॉर वन इंडिविजुअल. ये उस केस में होता है जब कोई फॉर एग्जाम्पल हाँ वेन यू नीड टू फेवर वन ग्रुप ओवर द अदर. एग्जैक्टली. और इसके अलावा एक और भी सिचुएशन है. फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसके डिसीजंस या उसकी इम्पोर्टेंस बड़ी क्रिटिकल है, या कोई बड़ा सुपीरियर ब्रेन है आपके पास इदारे में और उसको आप अगर प्रेफरेंस दे रहे हैं ओवर द अदर पीपल, तो यस इट कैन प्रिवेल, इंडिविजुअलिज्म प्रिवेल कर सकती है. लेकिन उसके लिए फिर सॉलिड ग्राउंड्स होनी चाहिए ना. इफ यू आर फोकसिंग ऑन इंडिविजुअलिज्म एंड यू वांट टू मेक इट रैशनल तो फिर इसके लिए सॉलिड ग्राउंड्स होनी चाहिए, अदरवाइज दैट वुड बी टेकन नेगेटिवली. ओके द फोर्थ डायमेंशन टॉक्स अबाउट मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिनिटी. मैस्कुलिन कल्चर वर्सेस फेमिनिन कल्चर. इट डजेंट मीन कि जिस इदारे में मर्द ज्यादा होंगे वो मैस्कुलिन होगा, जिस इदारे में खवातीन ज्यादा होंगी वो फेमिनिन होगा. दिस इज नॉट द वे टू परसीव इट. जेंडर स्टडीज जो है ना वो मैस्कुलिन फीचर्स और फेमिनिन फीचर्स को डिफ्रेंशिएट करती है. जेंडर स्टडीज जो है जो लोग जो रिसर्च जेंडर पे होती है, तो जेंडर स्टडीज के अंदर दे डिबेट ऑन द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन एंड वेमेन. फॉर एग्जाम्पल मैस्कुलिन एट्रीब्यूट्स क्या हैं? एग्रेशन, क्विक डिसीजन मेकिंग, कंपेटिटिवनेस, थिंक एक्टिंग बिफोर थिंकिंग, लाइक दीज आर सम ऑफ द मैस्कुलिन एट्रीब्यूट्स. हाँ वही मैंने कहा ना, क्विक डिसीजन मेकिंग मीन्स के यू यू टॉक लेस यू डू मोर. बट उसकी फिर एक डार्क साइड ये भी होती है कि यू यू एक्ट फर्स्ट एंड थिंक लेटर. ठीक है. इसके अलावा फिर देर आर सम फेमिनिन फीचर्स. फेमिनिन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? मॉडेस्टी, इंट्यूशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ. इसी वो कहते हैं कुछ कंट्रीज जो हैं, हाँ मोर टॉकिंग, वो कहते हैं कुछ कंट्रीज के अंदर मैस्कुलिन जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डोमिनेंट हैं, कुछ में फेमिनिन फीचर्स डोमिनेंट हैं. जैसे यूएस एंड यूके आर प्योर मैस्कुलिन कल्चर्स. पाकिस्तान भी मैस्कुलिन कल्चर है. डिसीजन मेकिंग क्विक होती है, आप करते पहले हैं सोचते बाद में हैं. जापान है फॉर एग्जांपल, चाइना है, ये फेमिनिन कल्चर को शो करते हैं.
मॉडेस्टी, इंट्यूशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस, ये वो फीचर्स हैं जो फेमिनिन कल्चर में ज़्यादा प्रेवलेंट होते हैं। सो कल्चर टू कल्चर ये चीज़ भी वेरी करती है, और यही चीज़ फिर आगे आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी रिफ्लेक्ट होती है, मैस्कुलिन और फेमिनिन। ठीक है, सिमिलरली देर इज अनदर पॉइंट, लॉन्ग टर्म वर्सेज शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन से मुराद है कि आप यू आर विलिंग टू सेक्रीफाइस शॉर्ट टर्म गोल्स ओवर लॉन्ग टर्म बेनिफिट। और शॉर्ट टर्मिज्म कहते हैं कि आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट एक्वायर करने के लिए लॉन्ग टर्म गोल को सेक्रीफाइस कर देते हैं। देर आर सम कल्चर्स जहाँ पे लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन पाई जाती है, लॉन्ग टर्म फोकस इज ग्रेटर और शॉर्ट टर्म जो रिजल्ट्स हैं आपके वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगेन वेरी करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेरिका जो है ये शॉर्ट टर्मिज्म का शिकार है। अमेरिका इमीडिएट रिजल्ट एक्वायर करने के लिए शॉर्ट टर्मिज्म पे ऑपरेट करता है, अमेरिका ऑपरेट्स ऑन शॉर्ट टर्मिज्म। ठीक है, इसके बरक्स जो जैसे अगर हम जापान की बात करें या फिर टॉक अबाउट चाइना, ये लॉन्ग टर्मिज्म पे जाते हैं। दे आर विलिंग टू सेक्रीफाइस शॉर्ट टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ओवर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। फॉर एग्जाम्पल आप यस वी आर ऑल्सो शॉर्ट, देखिए पाकिस्तानी कल्चर जो है ना ये ज्यादातर अमेरिकन कल्चर से डोमिनेट है। अगर पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनी उठा के देखें डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर, सो मेजॉरिटी एमएनसीज पाकिस्तान में अमेरिकन काम कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल मार्केटिंग के अंदर जैसे ये टोटल पारको है या ये कैलटेक्स है, ये अमेरिकन कंपनी है। अगर आप फास्ट फूड में देख लें तो फास्ट फूड में मेजॉरिटी जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अमेरिकन है, मैकडोनल्ड्स, KFC, पिज्ज़ा हट, ये सारी अमेरिकन चेन्स हैं। तो चूंकि हमारे यहाँ पे मेजर डोमिनेंस एमएनसीज में अमेरिका की है, सो ओइंग टू दैट रीजन इन पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर इज मोर डोमिनेंट इन ऑर्गेनाइजेशंस। तो पाकिस्तान में भी शॉर्ट टर्मिज्म पाई जाती है, वी आर ऑल्सो शॉर्ट टर्म, वी आर विलिंग टू सेक्रीफाइस लॉन्ग टर्म बेनिफिट ओवर शॉर्ट टर्म गोल्स। हम बड़ी आसानी से क्वालिटी कम कर देते हैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट गेन करने के लिए, इवन दो इट कॉम्प्रोमाइजेज लॉन्ग टर्म लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर्स। तो लॉन्ग टर्म लॉयल्टी को गेन करने के लिए फिर आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को कब कुर्बान करना पड़ता है ना, इट्स अ ट्रेड ऑफ। तो अगर आप ये ट्रेड ऑफ करने के लिए विलिंग हैं तो फिर आप शॉर्ट टर्मिज्म पे नहीं जा रहे, फिर आप लॉन्ग टर्मिज्म पे जा रहे हैं, वरना फिर आप शॉर्ट टर्मिज्म पे रहेंगे। सो दैट इज गियर्ड हॉफस्टीड मॉडल। अब ये किसी भी कल्चर के अंदर एक चीज जो एक्सेप्टेबल है वो शायद किसी और कल्चर में एक्सेप्टेबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल पेइंग एन एडवाइजर टू डिस्कवर लूप होल्स इन टैक्स लॉ इन ऑर्डर टू अवॉइड पेइंग टैक्स ऑन बिजनेस प्रॉफिट्स। अब ये शॉर्ट टर्मिज्म की एग्जाम्पल है। अब पाकिस्तान के अंदर हम टैक्स कंसल्टेंट्स हायर इसलिए करते हैं कि वो हमें टैक्स चोरी करने के तरीके बताएं। ठीक है, सो दैट दे कैन टेल अस कि हम किस तरह से अपनी इनकम को रिपोर्ट करें, किस तरह हम अपने एक्सपेंसेस को रिपोर्ट करें कि हम टैक्स कम से कम पे करें। अब ये किसी कल्चर में तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल होगी लाइक इन पाकिस्तान, बट माइट नॉट बी एक्सेप्टेबल इन एनी अदर कल्चर। इसी तरह इंस्पेक्टिंग अ कंपेटिटर्स प्रोडक्ट एट अ ट्रेड फेयर एंड देन डेवलपिंग अ क्लोज कॉपी एज अ राइवल प्रोडक्ट। अब ये किसी कल्चर में ये एथिकल प्रैक्टिस हो सकती है, किसी कल्चर में अनएथिकल प्रैक्टिस होगी। तो वट इज कंसिडर्ड अनएक्सेप्टेबल इन वन कंट्री माइट बी कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल इन अदर कंट्री। एग्जैक्टली, हाँ, इन चाइना इट वुड बी वेरी एथिकल कि ठीक है जी, आपकी R&D, चलो आपकी R&D कॉस्ट बच गई, लेकिन प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग तो अपनी कर रहे हैं ना। देन पेइंग अ गवर्नमेंट ऑफिशियल टू स्पीड अप कंप्लीशन ऑफ अ ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर, जिसे ग्रीस मनी कहते हैं, इसे क्रूड लैंग्वेज में ब्राइबरी कहते हैं, रिश्वत देना कहते हैं। अब ब्राइबरी माइट बी एक्सेप्टेबल इन वन कल्चर, इट माइट नॉट बी एक्सेप्टेबल इन सम अदर कल्चर। और गिविंग अ गिफ्ट टू अ परचेज मैनेजर ऑफ अ लार्ज कंपनी ताकि वो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स परचेज करे, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज में होता है ना। अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज में फार्मास्यूटिकल फर्म्स जो हैं वो डॉक्टर्स को हैवी इंसेंटिव देती हैं, उनको गाड़ियाँ देती हैं, उनको फैमिली रिक्रिएशनल टूर्स प्लान करके देती हैं जस्ट बिकॉज के वो उनकी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करें। अब ये इस कल्चर में तो ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन माइट बी पॉसिबल ये किसी और कल्चर में ये प्रैक्टिस एक्सेप्टेबल ना हो। तो व्हाट इज एक्सेप्टेबल इन वन कल्चर माइट नॉट बी एक्सेप्टेबल इन सम अदर कल्चर, एंड दैट्स एन इम्पॉर्टेंट फिनोमेना। तो ये गियर्ड हॉफस्टेड ने कहा था कि कल्चर टू कल्चर, नेशन टू नेशन कल्चर वेरी करता है। तो
मल्टीनेशनल कंपनीज फिर चैलेंज में आ जाती हैं कि हो सकता है कि वो किसी एक कंट्री में अगर कोई एथिकल प्रैक्टिस है तो किसी दूसरी कंट्री में वही प्रैक्टिस अनएथिकल हो जाए। सो दे हैव टू फेस ह्यूज चैलेंज, जैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी है। अब गूगल चाइना में बड़े चैलेंज का शिकार है। गूगल के मुकाबले में चाइना का लोकल सर्च इंजन है बाइडू, BAIDU, बाइडू कहते हैं। अब गूगल वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो सेंसरशिप है उसका शिकार हुआ रहा है। दे आर अनएबल टू ऑपरेट इन चाइना, क्योंकि चाइना में इंफॉर्मेशन सेंसरशिप बहुत हाई है। वहाँ पे इतनी इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंटली ट्रेवल नहीं करती जितनी किसी और मुल्क में करती। तो फिर कंपनी है उसको फिर डिफरेंट टैक्टिक्स, डिफरेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू ऑपरेट इन दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी और दैट कंट्री। गेट हॉफस्टेड के ऊपर अर्लियर आपके एग्जामिनेशन के हवाले से देखा जाए तो क्वेश्चन ऐसा जा चुका है इसके ऊपर, अभी दोबारा आने के भी चांसेस हैं। देर आर चांसेस किसके ऊपर दोबारा क्वेश्चन अपेयर हो जाए। अगर आप इसके ऊपर एक क्विक रिव्यू देख लें, लाइक व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन अपीयर्ड एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन माइट अपीयर, तो सो फार इफ यू लुक एट इट, तो लास्ट टाइम देयर वाज नो टॉपिक इवैल्यूएटेड ऑन कल्चर। लास्ट टाइम कल्चर पे कोई सवाल नहीं था। उससे पहले चार्ल्स हेनरी का मॉडल टेस्ट हुआ था एंड दैट वाज अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। ये देखें, इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, हियर एक कंपनी के बारे में आपको बता रहे हैं जी, वी सॉल्व एक सॉफ्टवेयर हाउस है जहाँ पे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस दी जाती हैं मीडियम और स्मॉल बिजनेसेस को। दो इसकी डिवीजन हैं, फाइनेंस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। फाइनेंस डिवीजन में तीन अकाउंटेंट्स हैं रिपोर्टिंग टू चीफ अकाउंटेंट। ईच अकाउंटेंट हैज अ डिफाइंड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसीवेबल्स, पेमेंट्स एंड जनरल अकाउंटिंग। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो डिवीजन है उसके अंदर दो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर्स हैं, तीन डिजाइनर्स हैं, चार प्रोग्रामर्स हैं। डिजाइनर्स और प्रोग्रामर्स को आप रोटेट करते हैं डिफरेंट असाइनमेंट्स के ऊपर इन अकॉर्डेंस विद द नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड। सो व्हाट टाइप ऑफ कल्चर वुड बी इन फाइनेंस डिवीजन, व्हाट टाइप ऑफ कल्चर शुड बी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिवीजन। पहले फाइनेंस डिवीजन का बताएं, फाइनेंस डिवीजन का कल्चर क्या है, इसमें कीवर्ड पे गौर फरमाएं। दिस इज द कीवर्ड, डिफाइंड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कीवर्ड है। और इस कीवर्ड के मुताबिक देखें, विच टाइप ऑफ कल्चर इट वुड बी एग्जैक्टली, दिस इज अ रोल कल्चर। बिल्कुल ये रोल कल्चर है। और इसका कल्चर कौन सा है, दिस इज टास्क वन। एग्जैक्टली ये टास्क है। तो व्हाट यू वर रिक्वायर्ड इज कि पहले तो आपने लिस्ट करने थे चारों, और फिर आपने फाइनेंस और सॉफ्टवेयर के अलग अलग डिफाइन करके उनको आपने एक्सप्लेन करना था। सो दैट वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इस तरह का सवाल जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पीछे मूव करें तो कल्चरल वेब पे ये हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन, तो सिक्स सिचुएशन दी गई थी और हर सिचुएशन पे आपको एक डायमेंशन अप्लाई करने को कहा गया था। वी टॉक्ड अबाउट इट। इससे पीछे मूव करें तो देर वॉज नो क्वेश्चन अगेन। फिर चार्ल्स हैंडी का क्वेश्चन था, चारों टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन था। तो दैट वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट डायमेंशन एक्सप्लोर्ड बाय द एग्जामिनर। चार्ल्स हैंडी का मॉडल जो है वो दो दफा आ चुका था। देन देर वॉज गियट हॉफस्टेड। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, दिस वॉज This was March 16. So, what was this question? Let me just bring it up. लेकिन फुल मार्क्स जो होते हैं ना वो कभी भी नहीं आप एक्वायर कर सकते। एज फार एज यू आर अचीविंग, बल्कि मैं ना
वो मिशाल है एक लड़की, उसने अभी प्रीवियस अटेम्प्ट में उसका सर्टिफिकेट आया है, तो आई वॉज जस्ट होपिंग कि मैं आपकी उससे एक इंटरेक्शन करवाऊँ आप लोगों की, जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड दैट वट आर द वेज टू स्कोर गुड. आई रिक्वेस्ट हर समडे टू गेट ऑनलाइन ताकि आप उसके साथ थोड़ी सी डिस्कशन करें. इफ़ यू हैव कॉन्सेप्ट, इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग, यू कैन इंटायरली राइट इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है, कहीं पे भी आपको वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आपने एग्जैक्ट ग्राम वाली जो वर्डिंग है वो आपने क्यों यूज नहीं की. ठीक है ना, सो दैट इज नॉट द केस. बी वेरी केयरफुल एंड बी वेरी क्लियर, ये कभी नहीं होगा. ठीक है, आई आस्क हर के वो टाइम निकाल के ना ऑनलाइन हो. ओके, ये स्टेटमेंट्स हैं, इसके अंदर ये पावर डिस्टेंस डायमेंशन की बात होगी. यू जस्ट हैव टू मैच पावर डिस्टेंस डायमेंशन विद एनी ऑफ दीज स्टेटमेंट. तो इफ यू कैन सी, तो पावर डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे पाई जा रही है, ये जो तो दूसरी स्टेटमेंट है, सेकेंड वन, दिस इज पावर डिस्टेंस, दिस A4, सॉरी, दिस इज पावर डिस्टेंस. दिस इज पावर डिस्टेंस, एग्जैक्टली. वो कह रहा है कि द स्टाफ हैज एक्सेप्टेड दिस अथॉरिटेटिव सेटअप एंड लुक्स अप टू द सीईओ फॉर मेकिंग इवन द रूटीन डिसीजंस. सो ये हाई पावर डिस्टेंस है या लो पावर डिस्टेंस है, वेदर इट्स हाई और लो पावर डिस्टेंस. दिस वन दिस इज हाई पावर डिस्टेंस, एग्जैक्टली. तो ये एक दफा इस तरह से आ चुका है, फिर एक दफा इसी तरह एक मैचिंग द स्टेटमेंट्स के अंदर चार्ल्स हैंडी का मॉडल, एंड देन देयर वाज अ डेफिनेशन ऑन पावर डिस्टेंस, डिफाइन द टर्म पावर डिस्टेंस. तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन अपेयर हो चुका है, पावर डिस्टेंस को डिफाइन करने को कहा गया था, और ये आया था मार्च 15 में. सिंपल दो दो नंबर की डेफिनेशन थी. सितंबर 15 के अंदर एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें चार्ल्स हैंडी के दो कंपोनेंट पूछे गए थे. सितंबर 15 में मैं अगर इसको निकालूं, ओके, दिस वॉज सितंबर 15. इसमें देखें, पर्सन कल्चर एंड टास्क कल्चर, ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं, और ये कहाँ पे अप्लाई हो रही है. दिस टू टर्म्स आर बीइंग अप्लाइड ऑन विच स्टेटमेंट्स, लेट्स सेव सम टाइम, यहीं से देख लेते हैं. 7 और 8 के ऊपर, 7 और 8 के ऊपर ये अप्लाई हो रहे हैं. सो दिस इज वेर इट्स बीइंग अप्लाइड हियर. रीड द स्टेटमेंट. The seventh one, it says Palm Technologies has a flexible organizational structure with strong focus on finding solutions of challenging problem and completing the job efficiently. ये कौन सा कल्चर है? पावर कल्चर है कि टास्क कल्चर है? ये टास्क कल्चर है, ठीक है. और आठवीं स्टेटमेंट है, Mars Limited lauds the achievement of its founder by displaying their portrait and saying in the factory premises as a source of inspiration for the employees. अब आइडियली आइडियली जो ये स्टेटमेंट है, इट शुड बी सिंबल्स ऑफ अ कल्चर. अगर आपको यहाँ पे कोई स्टेटमेंट सिंबल्स या आर्टिफैक्ट की नहीं मिल रही, फिर ये पर्सन कल्चर बन जाएगा. देन इट वुड बी पर्सन कल्चर, कि आप इंडिविजुअल्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इदारे के अंदर. इसी तो यू हैव टू लुक फॉर द इमीडिएट स्टेटमेंट फर्स्ट, एंड देन यू हैव टू लुक फॉर द नेक्स्ट वैलिड स्टेटमेंट. पहले आप इमीडिएट स्टेटमेंट देखेंगे, फिर आप, हाँ, फिर आप क्लोजेस्ट देखेंगे, तो क्लोजेस्ट फिर ये पर्सन कल्चर है यहाँ पे. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप पहले स्टेट, इसलिए पहले टर्म्स की जगह पहले स्टेटमेंट्स पढ़नी है, और जो थॉट क्लिक होती है पहले उस थॉट को आपने वहाँ पे इंड्यूस करना है, एंड देन यू हैव टू लुक फॉर द की टर्म्स, के की टर्म्स कौन कौन से.
These are very scoring marks. What is scoring marks होते हैं? Like these 8 marks are highly scoring. लेकिन इन 8 marks को आप बड़ी आसानी से score कर सकते हैं, provided कि आप well prepared हैं और आपने adequate तैयारी की हुई. तो organizations जो होती हैं, they are always very clear. Exactly, these questions save a lot of time. दुआ करें आपके पेपर में इस तरह का एक आधा सवाल आ जाए, क्योंकि इस तरह का सवाल काफ़ी अरसे से नहीं आया. इस तरह का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अरसे से अपेयर नहीं हुआ, कम अज़ कम पिछली 2 अटैम्प्ट में तो नहीं है. ठीक है, पिछली दोनों अटैम्प्ट में इस तरह का क्वेश्चन नहीं है कि स्टेटमेंट्स से अपना ये वर्ड्स दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है मैच करें वर्ड्स को स्टेटमेंट्स के साथ. तो इफ़ यू गेट सच अ क्वेश्चन तो दैट वुड बी अ ट्रीट फॉर यू जी. और फिर इस किस्म के क्वेश्चन में 100% स्कोरिंग भी होती है, थ्योरी के क्वेश्चन में 100% स्कोरिंग नहीं होती. व्हेन यू हैव टू राइट आंसर टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन यू कैन नेवर एक्सपेक्ट 100% मार्क्स. 80% आ जाएंगे, बहुत भी अच्छा लिखा होगा, 65-70% आ जाएंगे. बट व्हेन यू गो फॉर दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर आंसर यू आर एबल टू स्कोर 100%. ओके, सो दिस वॉज कल्चर. ये था जी कल्चर आपका. इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आईटी का. लेट्स इंट्रोड्यूस इट, देन वील कंप्लीट इट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट मीटिंग. आईटी जो है ये भी, एज आई जस्ट टोल्ड यू, ये भी बिजनेस मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग का एक पार्ट है. जब आपने बिजनेस के डिसीजन देने होते हैं तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एज अ टूल यूज करते हैं. वी यूज आईटी एज अ टूल टू मेक बिजनेस डिसीजंस. और बिजनेस डिसीजंस के अंदर आपका जो आईटी का फंक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं. वी टॉक अबाउट द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिसीजंस के अंदर. दे अलाउ टू मेक यू वेरी क्रिटिकल डिसीजंस वेरी टाइमली इन एंड इन एन इफेक्टिव फैशन. इफेक्टिव और टाइमली मैनर में आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. ठीक है, ओके. सो दिस टॉपिक हैज टू पार्ट्स. इसके 2 पार्ट्स हैं. पहला पार्ट तो इसका वही कन्वेंशनल है जो आईटी का पहले पढ़ के आ चुके हैं डिटेल में. आईटी के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, लैन वैन, वो तमाम चीज़ें जो पहले पढ़ी हुई हैं आपने. दूसरा पार्ट इसका इम्पोर्टेंट है एंड दैट इज डिसीजन मेकिंग. आईटी का रोल डिसीजन मेकिंग में क्या है. तो पहला पार्ट इज क्वाइट सिंपल, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. और ये देखिए इसके भी 2 हिस्से हैं. जनरल सिस्टम कॉन्सेप्ट्स ये आप पहले पढ़ के आ चुके हैं. स्पेसिफिक आईटी बेस्ड सिस्टम्स ये इम्पोर्टेंट है जो कि हम आपके फिर वो ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे मिड टर्म्स के बाद. सो डिफाइनिंग व्हाट इज अ कंप्यूटर, ये इसका ब्रीफ है. इसमें देख लें, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें से कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ा हुआ पहले. हम यहाँ तक रखेंगे इसको, वी विल कीप इट अप टिल हियर. सो फार हम इसको यहाँ तक कवर करेंगे. डिफाइनिंग कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस एंड देन नेटवर्क्स. दिस इज वेयर वी विल रिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे. डू यू थिंक दैट देयर इज समथिंग यू हैव नॉट गॉन थ्रू अर्लियर इन दिस पार्ट. सारे पढ़े हुए हैं ना आपने, यू हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ देम, यू हैव टॉक्ड अबाउट ऑल ऑफ देम. ठीक है ना, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, इसमें सारी पुरानी चीज़ें. हाउ डू यू डिफाइन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, इट्स बेसिकली मशीन दैट प्रोसेसेस इनपुट, ट्रांसफॉर्म्स इनटू सम यूजफुल आउटपुट एंड स्टोर इट फॉर फ्यूचर पर्पसेस. सो दैट्स हाउ वी डिफाइन अ कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, इनपुट डिवाइसेस में डेटा आ जाता है जो आप जो प्रोसेस करवाते हैं, आउटपुट में एक्सट्रैक्शन आ जाती है प्रोसेस इंफॉर्मेशन की, लाइक प्रिंटर्स, लाइक मॉनिटर्स. सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है. स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं यहाँ पे, सो ये दीज आर वेरी बेसिक कंपोनेंट्स. देन हार्डवेयर के ऊपर टाइप्स भी आपने पढ़ी हुई है पहले, यू हैव गॉन थ्रू द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, पढ़ी है ना, सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप. अगेन रिवाइज हो रहा है वो टॉपिक. इनपुट डिवाइसेज आपने पढ़े हैं सारे के सारे, ऑल ऑफ देम. इसी तरह आपने आउटपुट भी पढ़े हुए हैं, आपने स्टोरेज भी पढ़े हुए हैं. ठीक है, और नेटवर्क्स, लैन और वैन. तो यहाँ तक मैंने इसलिए इसको रिस्ट्रिक्ट किया,
बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू दीज टॉपिक्स अर्लियर, आपने ये तमाम टॉपिक्स पहले डिस्कस किए हुए हैं, तो इट वुड बी इजियर फॉर यू टू रिवाइज देम, इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड देम, एंड इजियर फॉर यू टू उसको फिर अंडरस्टैंडिंग जो उसकी, तो वो फिर आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा, इट विल हेल्प इन प्रिपरेशन। सो ये था जी आज का एरिया। नाउ जैसे अभी आपको बताया कि पहले जो आपके पहले पांच जो चैप्टर्स हैं ये कंप्लीट कर देते हैं अंडरस्टैंडिंग को आपकी रिगार्डिंग योर मैनेजमेंट कंपोनेंट, मैनेजमेंट कंपोनेंट जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग को ये कंप्लीट कर देते हैं। आईटी का पोर्शन जो है ये सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्प्स यू मेक इफेक्टिव एंड टाइमली डिसीजंस, ठीक है, तो ये इसका रोल है। कलेक्टिवली ये पूरा पार्ट आपका मैनेजमेंट कंप्लीट कर देगा। उसके बाद है परसेप्शन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट, टीम मैनेजमेंट, ये सारा पीपल फोकस्ड है। ऑल ऑफ दीज आर पीपल फोकस्ड कॉम्पोनेंट्स, इसमें आप लोगों को डिस्कस करेंगे, इसके अंदर आप लोगों की बात करेंगे, दैट इज वेयर योर क्रिटिकल रोल ऑफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट कम्स इन टू प्ले, ठीक है। ये फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे। यू शुड प्रिपेयर हार्डर, डेडिकेट सम एग्जैक्टली नेटवर्क तक, बिल्कुल आईटी का टॉपिक नेटवर्क्स तक कवर होगा आपका, ठीक है, फर्स्ट 5 चैप्टर्स एंड नेटवर्क्स, दैट वुड बी योर सिलेबस, और ये आपके पेपर का तकरीबन 55% है, दैट इज 55% ऑफ योर एग्जामिनेशन, 55% इज एन इम्पॉर्टेंट वेटेज, ओके, बड़ी ज़्यादा वेटेज है, बड़ी इंपॉर्टेंट वेटेज है, तो इस वेटेज को अगर आप सेक्रीफाइस कर दें गॉड फॉरबिड, तो दैट वुड लीड टू अ वेरी ह्यूज चैलेंज, बड़ा बिग चैलेंज आ जाता है आपके पास, तो बी वेरी केयरफुल, वेरी क्लियर कि आपने इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, यू नीड नॉट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, ओके। वो जो आपके टेस्ट का इशू था वो हो गया था रिजॉल्व, आई आस्क द टीए कि वो आपको वापस अपलोड कर दे मार्क करके, वो हो गए थे कि नहीं अभी? नहीं हुआ अभी तक, ओके, लेट मी जस्ट रिमाइंड हिम अगेन, एक मिनट दीजिएगा, मैं इसको अभी रिमाइंडर देता हूँ। आई स्पेशली आस्क्ड हिम टू डू दैट, चले मैं इसको करवाता हूँ आज इंशाल्लाह, दैट विल बी हैंडल्ड, ठीक है, डोंट वरी। इन द मीन टाइम फोर्थ, फोर्थ जो है उसका भी मैं अपलोड करवाता हूँ, ठीक है, फोर्थ का भी देखिएगा, वो भी हो जाएगा, ये दोनों इंशाल्लाह आपके इसी वीक में हो जाएंगे, फोर्थ वाला भी और ये वाला भी, ठीक है, तो फोर्थ वाला भी अपलोड करवाता हूँ, उसको भी देखिएगा, और साथ ही साथ इंशाल्लाह ये वाला भी हो जाएगा, सो दीज इशूज विल बी हैंडल्ड, डोंट वरी। बस ये है कि अब आप डेडिकेटेड होके रिविजन और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, दैट वुड हेल्प यू, उसमें फिर आपको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा कि आपकी साथ साथ रिविजन हो जाएगी, बट यू शुड बी डेडिकेटिंग एटलीस्ट 2 to 3 hours ऑन डेली बेसिस, आजकल 2 से 3 घंटे अब आप रोज के डेडिकेट करें हर सब्जेक्ट को, नॉट नेसेसरीली दिस वन बट एवरी सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग, हर सब्जेक्ट को आप कम से कम 2 से 3 घंटे दें, जितना टाइम आप देंगे उतना इट वुड बी मोर हेल्पफुल फॉर यू, कि आपका एंड पे लोड कम हो जाएगा, सो बैलेंस आउट करें अपने बर्डन को जो आगे जाके आपके शोल्डर्स पे पड़ेगा, एंड द ओनली वे टू बैलेंस इट आउट इज कि आप अभी से उसको फोकस करना शुरू करें, ऑब्वियसली फोर्स अपने आप को करेंगे तो फोकस करेंगे, तो फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप एंड टू वर्क विथ
The more you focus, the better chances you will have to score good. Or koi query, koi concern, anything you have in your mind, any question you need to ask, something you think, you believe should be discussed. Everything clear so far? Great. Shabash, very good. So just concentrate. In the meantime, कोई question हो, कोई query हो, तो WhatsApp available है. अब आजकल ज़्यादा activity नहीं मैं देख रहा WhatsApp के ऊपर. What's the reason behind? बहुत inactivity हुई है आजकल WhatsApp के ऊपर. बहुत कम knowledge sharing होती है. तो just put questions. Question तभी put करेंगे जब पढ़ेंगे. तो ज़रा WhatsApp को alive रखा करें. मुझे भी contribute करने का मज़ा आता है. और उसमें फिर I actually get happy when you ask a question and some of your peer or your friend answers that question. So it actually feels good. So try to just, you know, focus. You know? Referrals bhi ho rahe hain aapke start. Referrals ko bhi dekhen. They are optional, not compulsory. But again, preparation के लिए जितनी practice करेंगे उतनी कम है. तो if you want to practice, if you believe के पीछे कोई topics आपके skip हुए हैं या किसी में आपको लगता है कोई weakness है आपकी, तो referrals are always good for a practice. ठीक है? ये वाली file जो है, जो मैं आपको दिखाता हूँ, you are talking about this file. If you are talking about this file, it is already uploaded. In your group, it is also in LMS. Bhi hogi, you can always, dekhe, question number given. Aapko. So instead of having bulky papers, which has a question, bhi likha ho, to why not to carry past papers in soft copy and this file in hard copy? Aur question number, dekhe, you can foreign, you can see which was. तो ये एक बड़ा हैंडी डॉक्यूमेंट है. दैट्स अ वेरी हैंडी डॉक्यूमेंट. दैट्स वेरी हेल्पफुल. तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस डॉक्यूमेंट, ये कलर कोडिंग अभी आप इग्नोर कर दें. जस्ट इग्नोर द कलर कोड्स. ये आपके लिए नहीं है. आपके लिए ये वाला जो ग्रिड है ये इंपॉर्टेंट है. तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, बाकी तो सब इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है टॉपिक वाइज. देयर इज नो क्वेश्चन रिटन. ठीक है? और क्वेश्चन लिखने का इसमें फायदा इसलिए नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ने के लिए यू कैन ऑलवेज गो टू द एग्जाम पेपर, पास पेपर. ठीक है? वो तो ऑलरेडी मौजूद है आपके पास, उसकी एक्सेस भी है. यू हैव सॉफ्ट कॉपी, यू हैव इंटरनेट. तो आप सिर्फ जाके स्टेटमेंट पढ़ लें क्वेश्चन की, इसकी स्टेटमेंट क्या थी. दैट्स इट. वो जब हम क्लास में डिस्कस करते हैं, मैं भी आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूँ. ठीक है? व्हेन वी डिस्कस इट ओवर हियर, आई आल्सो शो यू द स्टेटमेंट. दैट्स आई गेस दैट्स फेयर इनफ. तो ये वाला डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आपके LMS पे भी होना चाहिए और आपके इधर WhatsApp के ऊपर भी मैंने भेजा हुआ है. आई हैव ऑलरेडी सेंट इट. यू कैन लुक एट इट. ठीक है जी. चलें फिर लेट्स कंक्लूड इट फॉर टुडे ओवर हियर. इंशाल्लाह इसे कंटिन्यू करेंगे होपफुली इंशाल्लाह टुमारो, और कल फिर IT को आके कंटिन्यू करते हैं. ठीक है? See you around. Thank you. Allah Hafiz.